નમસ્કાર દી લોકસત્તા શોમાં આપનું સ્વાગત છે। કુંભકરણની લાંબી નિંદ્રા વિશે તો તમે સાંભળ્યું જ હશે, જેને લઈને કહેવાય છે કે તે 6 મહિના સૂતો રહેતો અને 6 મહિના જાગતો। ખેર આ વાત તો રહી ત્રેતા યુગના રામાયણની, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ યુગમાં પણ કુંભકરણ જેવા કેટલાક લોકો છે જે મહિનાઓ સુધી સૂતા રહે છે? जी हाँ, कजाकिस्तान में एक एवं स्थल आवेलू है ज्यां लोको महीनाओं सुधी सूता रहे छे। कहवाय छे के आ जग्याना अनोखा रहस्य अंगे आज सुधी कोई जाणी शक्यु नथी। कजाकिस्तानना आ गामना लोकोने नथी मालूम के तेओ क्यारे सूई जशे अने क्यारे उठशे। अहीं लोको काम करता करता अचानक ज सूई जता होय छे। तो आजे आपणे जाणीशुं आ गामनी हकीकत अने शुं छे आ लोकोनी ऊंघनुं कारण ते अंगे। परंतु ए पहला जो तमे अमारो आ वीडियो यूट्यूब पर जोई रह्या हो तो अमारी चैनल दी लोकसत्ता ने सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाववानुं भूलता नहीं। जो तमे अमारो आ वीडियो फेसबुक पर जोई रह्या हो तो तेने लाइक, फॉलो अने शेर जरूर करो। उत्तरी कजाकिस्तान में आवेल कलाजी गामना लोको कुंभकर्ण जेवी लांबी निंद्रा माटे आखा विश्व में जाणीता छे। जो कोई अहीं सूई जाय छे तो तेओ महीना बाद ज उठता होय छे। आ गामने लोको स्लीपी होलो तरीके ओळखे छे। एक्चुअली रिपोर्ट अनुसार आटला महीना सुधीनी निंद्रा आ गामना लोको माटे एक मोटी अने रहस्यमय बीमारी बनी चूकी है। अहेवालों मुजब आ बीमारीनु कारण शोधवा लागेल टीमों अनुसार अहीना लोकोना दिमाग में कोई तरल पदार्थना प्रमाणनु उत्पादन झड़पथी थाय छे। आवुं केम थई रह्युं छे ते आज सुधी जाणी शकायुं नथी तेम कहेवाय छे। खबरों अनुसार लांबा समय सुधी ऊंघ्या करवानी आ अजीब बीमारी छे। रिपोर्ट मुजब उत्तर कजाकिस्तान में आवेल कलाची गाम में अचानक ऊँघी जता लोकोनो प्रथम किस्सो एप्रिल 2010 में सामे आव्यो। जे अनुसार आ बीमारी में व्यक्ति थाकेलू, सुस्त, माथानो दुखावो अनुभवतुं होय छे, साथे ज यादशक्ति पण थोड़ी नबळी पड़ी जाय छे। आ बीमारी कोईने पण थई शके छे। अहेवालों मुजब अहीं बाळकों में आ बीमारी वधु जोवा मळे छे। गमे त्यारे व्यक्ति ऊँघी जाय छे अने दिवसों सुधी ऊँघ्या कर्या बाद ज्यारे ते उठे छे त्यारे तेने चक्कर आवे छे अने व्याकुळता अनुभवे छे। मनुष्य शुं आ बीमारीमांथी प्राणीओ पण बाकात नथी रह्या तेवा अहेवालो सामे आव्या हता। तो आ बीमारीने लई डॉक्टर्सनुं शुं कहेवुं छे ते पण जाणी लईए। रिपोर्ट मुजब आ बीमारीने लई केटलाक डॉक्टर्सनुं कहेवुं छे के आ बीमारी प्रदूषित पानी पीवाना कारणे पण थई शके छे। कजाकिस्ताननुं आ गाम યુરેનિયમની બંધ થઈ ગયેલ ખાણ પાસે આવેલું છે, જેમાં ઝેરીલું રેડિયેશન હોય છે। અહેવાલો મુજબ સ્થાનિકોનું આ અંગે કહેવું છે કે આ ખાણના કારણે લોકોને આ બીમારી થઈ છે। જોકે ગામમાં રેડિયેશનની માત્રા લગભગ નહિવત કહેવાય છે। તો રિપોર્ટ અનુસાર આ અંગે વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે સ્લીપિંગ એપિડેમિકનું યુરેનિયમ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે ખાણમાં કામ કરતા કામદારોમાં આ બીમારીના લક્ષણો જોવા નથી મળ્યા। आ सिवाय कार्बन मोनोक्साइड पण आ बीमारीनु एक कारण मानवामां आवी रह्युं छे। धुमाडाना कारणे आ गाममां कार्बन मोनोक्साइडनुं प्रमाण खूब वधी गयुं छे। चिमनीमांथी निकळतो धुमाडो उपरनी तरफ जवानी बदले नीचे आवे छे, जेनुं कारण छे गामनी भौगोलिक स्थिति अने त्यानुं हवामान। अहेवालो अनुसार कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंगना केटलाक लक्षणों आ बीमारीना लक्षणों साथे मळता आवे छे। जो कि आ बीमारीनुं चोक्कस कारण हजी मळी शक्युं नथी। बीजा खबरों साथे फरी मळीशुं। धन्यवाद। तमे अमारा आ वीडियो ने जो यूट्यूब पर जोई रह्या होव तो तरत ज अमारी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करो अने नवा वीडियोना अपडेशन माटे बेल आइकन दबाववानुं भूलशो नहीं। जो तमे अमारो आ वीडियो फेसबुक पर जोई रह्या होव तो अमारा फेसबुक पेज ने जरूर लाइक करो। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।